वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस वे मेरठ सर्विलांस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 15 बाइक सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में रहीश राणा उर्फ रहीश अहमद, अख्तर इस्लाम और शमशाद उर्फ कलवा शामिल हैं। रहीश राणा व अख्तर के लिसाड़ी गेट स्थित मकान से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की हैं, जबकि बाकी की 4 मोटरसाइकिल इस्लाम व शमशाद के कब्जे में बरामद हुई हैं। गुर्जर चौक लिसाड़ी गेट का रहने वाला रहीश राणा गैंग का मुख्य आरोपी है। इसी के संपर्क में आकर बाकी सदस्यों ने ये वाहन चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू किया। किस तरकीब से ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे, सीओ विवेक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, सुनिए। जिस तरीके नंबर्स ट्रेंड किए जा रहे हैं, मतलब पलटे जा रहे हैं, क्या सोतीगंज पार्ट टू है? नहीं देखिए, इसका सोतीगंज में तो सभी अवैध वाहनों का कटान बंद है, बंद था और बंद रहेगा। जो इसमें एक अभियुक्त है, पहले मैं इसको आपको इस घटना इस पूरे गैंग के बारे में बता दूँ, तो ये क्या करते हैं, ये चोरी की गाड़ियों, ये गाड़ियों को पहले चोरी करते हैं और फिर उसी तरह की गाड़ियों को शहर में या किसी अन्य स्थान पर चिन्हित करते हैं और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के नंबर के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह निकलवा के फिर फर्जी तरीके से उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इत्यादि जो पेपर होते हैं उसको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद ये नए बायर्स को ढूंढते हैं और उनको इंश्योरेंस की गाड़ी, जेन्युइन गाड़ी बता के उनको ऐसे बेचते हैं। इसमें इस क्रम में इस गैंग का एक सदस्य ऐसा भी है जो चोरी की गाड़ी है उसको, जो उससे मिलती जुलती गाड़ी है उसके चेसिस नंबर को उस पर अंकित करते हैं। और ये पूर्व में कभी जब सूतीगंज में ये इन्वॉल्व है, लेकिन अभी ये उसके बाहर ही ये कार्य कर रहे हैं। वो उसमें खाली वो टेम्परिंग का, जो चेसिस नंबर चेंज करने का कार्य होता है, वो करते हैं। तो अब हम लोग का ये पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह की जो भी वाहन चोरी है वो इस जनपद में कहीं भी हो रही है वो पूरी तरीके से। कितने वाहन बरामद हुए और कितने आरोपी हैं? इसमें टोटल 15 वाहन बरामद हुए, जिसमें कि रॉयल एनफील्ड, R15 इत्यादि जैसी बड़ी टू व्हीलर्स भी हैं। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा 3 अभियुक्त इसमें जो है। इन चारों लोगों का सूतीगंज कनेक्शन भी डेवलप नहीं, इसमें सूतीगंज का कोई कनेक्शन, मतलब ये पहले सूतीगंज में एक्टिव नहीं, ये सूतीगंज में एक्टिव नहीं, ये वाहन चोर है। इसमें एक जो रईस है वो वाहन चोरी का काम करते थे, उसके अलावा इसमें एक अख्तर है, एक इस्लाम है और एक इसमें शमशाद है। तो ये पूरा गैंग एक साथ मिलके वाहन को चोरी करना, फिर उसकी RC निकालना, उस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना और फिर उसको बेचना। सर, इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है? इसके मास्टरमाइंड रईस राणा। सर, कितने वाहन ट्रेस हो चुके हैं 15 में से? देखिए, इसमें कई वाहन ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं कई थानों में जो पूर्व में मुकदमे लिखे गए थे और अन्य वाहनों के बारे में भी शिनाख्त की जा रही है कि क्या वो उसके संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत है इस जनपद में या किसी अन्य जनपद में। सर, क्या ये जिले से बाहर भी है? यही वेस्ट यूपी में ही चला रहे थे इसको? जी, अंतर्राज्यीय या वेस्ट यूपी में चला रहे थे? ये मोस्टली इनका नेटवर्क मेरठ और आसपास के जिलों में फैला है। ठीक, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।